ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਜੀ ਮੇਰਾ 21/12/1993 ਜੀ ਜਨਮ ਦਾ ਟਾਈਮ 7:30 ਜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰੀਦਾ ਬਰਕਤੇ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਪੂਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਦੇ ਤੋਂ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਐਂਡ ਜ਼ੀਰੋ लेकिन दूजे नंबर ते ये है कि तुहानू गुस्सा ज्यादा आंदा है परेशान हो जाने हो बहस दे ज्यादा है ढिले चलदे या कपड़े ढिले पाने हो खिचदे बहुत हो एक तां बगैर जोर तो चांदी दा कड़ा पाना वाइट दुध नहीं पीना काले मां गुरुद्वारे दान देने कानू रोटी पानी कदे कदे केसर दा तिलक लगाया करो आपदे शहर तो दूर जाके काम करोगे तो ज्यादा कामयाब होगे नेड़े काम करोगे परेशानियां बहुत होंदियां पर एक बारी कदे कदे मछली नूं आटा पाना शुरू करो ते वाइट दुध बिल्कुल बंद है एक बारी अपाई करके देखो जे कोई तुहानूं फायदा होंदा फिर आके मिलो जय श्री राम हैलो हैलो सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी सर जी मैं दिल्ली तों बोल रहा हां हां जी मैं अपनी बेटी बारे पूछना चाहना वा डेट और टाइम दसो जी ओह 1 अक्टूबर 1996 जन्म है जी 1 अक्टूबर 1996 लड़की है क्या लड़का लड़की बिटिया जी मेरी बिटिया है जी लड़की दा तुहानू थोड़ा ध्यान रखना पैना हले हां जी 8-10 महीने जेड़े एदे हैगे आ तकरीबन ज्यादा वधिया नहीं हैगे अच्छा जी लेकिन लड़की तुहाडी जे तां मैं तां इक होर गल जानना आ कि अगर तुहाडे कोले 4 पैसे हैगे आ हां जी तां आपदे बच्चे नूं तुसीं फॉरन भी भेज सकदे हो एदा योग हैगा आ अच्छा जी ठीक है जी बाकी कोई चिंता वाली गल नहीं गोलियां जल प्रवाह 131 करनिया छोले दी दाल धार्मिक स्थान ते दान हर महीने वीरवार 5 वारी दिंदे रहना हां जी ते एक नारियल जल प्रवाह करना कि ए बच्चा साडा माड़ियां लड़कियां लड़कियां दे मगर ना लगे बिटिया तो प्रवाह जी आप करना है बिटिया दा नहाल हाथ लगा के करोगे तो ज्यादा फायदा है अच्छा जी 10वें महीने फरवरी तक हां जी 2 फरवरी तक इन कल्ली नु किते नहीं जान देना ठीक है जी मोबाइल एदे कोले नहीं होना चाहिदा हां जी लाल रुमाल ने आपदे कोले रखना कदे कदे दही मल के नवाओ ठीक है जी जय श्री राम हेलो हां जी नमस्कार जी नमस्कार वीर जी केड़ी जगह तो जी हां जी मैं जिंदो तो बोल रहा हूं हां जी अरे हम मेरी डेट ऑफ बर्थ 10/2/1997 10/2/1997 जन्म का टाइम जन्म का टाइम पूछे है 2:18 रात के दिन दे रात 2:18 हां जी की बोलना चाहते हो ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਟਰਾਈ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਕੌਮ ਸੈਕੰਡ ਇਅਰ ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਪੁੱਠਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੂਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 2019 ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ
जो तुम पैदा हुए सी तुहाडे घर दे हालात ज्यादा अच्छे नहीं सी तुसी की करना एक बार आके मिलो धार्मिक स्थान ते नहीं जाना कोई सुखना नहीं सुख नहीं जन्मदिन नहीं मनाना झूठ नहीं बोलना ये चार चीजें एक बार करो फिर तुसी आके मिलो तो रोटी रसोई खाया करो अगला साल थोड़े वास्ते जिहड़ा है वो ज्यादा माड़ा है पहले पाए जिहड़े दसे करो जो फायदा हो फिर आके मिलो हेलो बोलना चाहते हो मन कंट्रोल गुस्सा ज्यादा आंदा दूजे नंबर ते पेट खराब जल्दी हो जांदा सारा शरीर दा दर्द हुंदा है जे तुहाडा सारा शरीर दर्द होगा तुसी काम करोगे नहीं तां बच्चा है फिर भी सब तो मेले नंबर से जो बच्चा थोड़ा किसी गल तो कन्ना घेसल मारदा ओदिया मजबूरियां समझो ये देखो कि वो तकलीफ की हैगी है वीरवार तो लैके वीरवार तक छोले दाल धार्मिक स्थान से दान नहाण तो पहले कदे कदे दुध मलना रोटी रसोई के विच बैठ के खानी जन्मदिन नहीं मनाना मंगलवार वाले दिन बच्चे टॉफियां बननियां चावल पानी च जल प्रवाह एक बार सौ बार कर जल प्रवाह सौ बार बस उस तो बाद देखियो बच्चा कितना ठीक होता जय श्री राम हेलो हेलो हाँ जी भैन जी हाँ जी बोलो जी बोलो दूसरी कार ले लिया करो जो नहीं बंदा तेरा समझता कोई मैं ये दसना चाहना जो किसी की कॉल लगती है पहले दो मिनट फोल्ड करके कहा जाता है टीवी तो दूर रहना टीवी की आवाज बंद करनी है लेकिन किसी को समझ नहीं आती हेलो हेलो हाँ जी राम राम जी राम राम जी मैंने आपके बेटे के बारे में पूछा डेट और टाइम दसो 11/1998 1911/1998 रात 11 बजे की बोलना चाहते हो मेरे भविष्य बारे पूछना चाहते हो केड़ी जगह तो बोल दे हो अमृतसर पंडियाला गुरु तो जादे तो आदि शादी हुई है जादे परेशान हो हाँ जी दूजे नंबर ते तो आदे करे पता नहीं की हो जाना मिनट च ए बच्चा जेड़ा है दिल का भेत नहीं दऊगा बच्चा झूठ दी पंड है मर्जी आपदी करूगा तुहानू भेत है नहीं प्यो पुत्तां दा दूजे नंबर ते ए है कि इस बच्चे दे कोले पैसे नहीं रखने पढ़ाई घट करूगा दूजे नंबर ते इन्हें निकी निकी गल दी टेंशन बड़ी जल्दी हो जाती है जी दूजे नंबर ते हले थोड़ा जा खराब चलता अगले महीने कुछ ठीक होगा लेकिन तुसी इहदा ध्यान रखो पैसे रखने कोई इहदी खुशी नहीं मनानी सवेरे उठने बुरी मन तो बाद मुंह नूं मिठा लाना अच्छा कि साडा बच्चा चोर ना बने अच्छा जी चंगे काम करे जय श्री राम हेलो 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 हाँ जी हाँ जी पंच बिना गल करने डेट और टाइम दस दो अपने
चार अप्रैल दस अप्रैल 1984 दस अप्रैल हां जी जन्म का टाइम अपने 1:30 का रात का हां नहीं सवेर का अच्छा जी की बोलना चाहते हो मैं अपने बेटे बारे पूछना है अपने उस टाइम बाहर आ मतलब ओदा मालिक तनखा नहीं दिंदा केड़ी जगह है दुबई आ दुबई हां जी जे सी बी ऑपरेटर आ अच्छा जी किन्नी देर होगी गए नू ਉਹਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ 5 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਅੱਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਗਿਆ ਬਾਣਾ ਆਪਣੇ ਲੋਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬੀਜਾ ਨਵਾਂ ਕਢਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਰਚਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਮੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਭਲਾ ਮਾਨ ਸਿਆ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਖਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਝੰਡ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਬਦਾਮ ਗਿੱਲਾ ਨਾਰੀਅਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਨਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਦਿਓ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਾਰਾਂ ਦਸ ਹਾਂਜੀ 93 ਜੀ 9:16 ਸਵੇਰ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆ ਫੋਰਨ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਤੱਕ ਫੋਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆ ਸੁਰਾਤ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਜੇ ਕੀ ਕਰ ਹੁਣ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਬੀਡੀਐਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੀਡੀਐਸ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿੱਦੀ ਬੜੇ ਹੋ ਢਿੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਢਿੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੂਗਾ 2016 ਦੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹਾਂਜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਲਣਾ ਘੱਟ ਹੈ 7ਵੇਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਣੇ ਹੈ ਟੇਵਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਟ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਏ ਦੱਸੇ ਕਰੋ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਓ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ 1981 ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ
सब तो वड्डी गल ए है कि अरब कंट्रिया दे विच तुहानू भी पता है कि ए लोग किन्ने के पहले पढ़े हुंदे सी किन्ने के इन्हां दे कोले हाथ दे कारीगर सीगे ए लोग अपने पंजाबी लोकां ने सब कुछ सिखाता लेकिन इन्हां ने एक चीज है आपां लोकां ने तरक्की नहीं कीती दूजे नंबर ते इन्हां लोकां ने किसे नूं अग्गे नहीं आन दित्ता किसे नूं 3 साल दा वीजा किसे नूं 2 साल दा वीजा किसे नूं 5 साल दा वीजा लेकिन मैं ये चाहना कि जिस पंजाबी भरा की कोल लगती है या मेरी गल चंगी लगती जो तुम इंडिया आने एक बार मिलो तो सही गल तो करो भी आप मेरी गल तो सुनो कि फॉरन के अच्छे रहेंगे कि इंडिया के अच्छे रहेंगे कोई ऐसी गल नहीं हूं एक बार तो तुम एक जो लड़का इंडिया आया आके मिलके जाए महरूम रंग का कपड़ा नहीं पाना हर महीने किसी गरीब नूं वड्डे दे नाम दी रोटी खवानी लाल रुमाल आपके कोले रखना तो यही एक बार उपाय करने जो इंडिया लड़का आया तो मिलके जा जय श्री राम हैलो हैलो हां जी हेलो हेलो पंडित बोल रहे पंडित जी हाँ जी हेलो बोलो बोलो 11 फरवरी जन्मदिन 11 फरवरी 1960 11 फरवरी 1960 जन्म का टाइम 11 बजे रात के 11 बजे हाँ जी की बोलना चाहते हो आपे भी बन जाता है पहले नंबर ते तुहानू चंगे वाले बंदे दी पहचान है नहीं गी दूजे नंबर ते हर काम च जल्दबाजी कर जाने हो तीसरे नंबर ते ए है कि सेहत 2012 तो बाद ज्यादा नुकसान शुरू हो गए लेकिन हुण जिहड़ा 2014 दे 6वें महीने तो समा चलदा पिया बड़ा खराब चल रहा है पहले नंबर ते घर दे विच सफाई ज्यादा रखो लोहे दे छोटे छोटे पीस नहीं रखने ते दूसरे नंबर ते जिस शहर तो सूरज चढ़दा ओह पासा साफ रखो ते रह गई पैसा नहीं जुड़दा हर महीने वड्डे दे नाम दे पैसे चक के साफ कपड़े च रख दिया करो ते आपके पैसे भी गुथली च रखने शुरू कर दो थानू फायदा होना शुरू हो जाऊगा जय श्री राम हैलो सत्य पंडित जी सत श्री अकाल जी जी मैं फिरोजपुर तो बोलदा मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/7/85 जन्म का टाइम 3:05 से दोपहर की पूछना चाहते हो काम कार बारे पूछना चाहना पंडित जी की कर दे की हो मैं क्लीनिंग अपना डॉक्टरी करना जी पहले नंबर ते ए है कि देखो तुम्हारा क्लीनिंग आता है अच्छा हाँ जी डॉक्टरी तुसी कर दे हो कहता हाँ जी तुहानू पता है कि कोई भी बंदा दुकानदार है हाँ जी हिम्मत ज्यादा रखनी पैंदी है तुसी खुश होके नहीं बोलदे ठीक है जी ना ही तुहाडा काम करन नूं ज्यादा दिल करदा है ठीक है जी ते जे मैं कहदा कि तुसी रज के रोटी खांदे नोट ज्यादा कमांदे ओह भी गल है नहीं मैं ठीक है जी बिल्कुल ठीक है ते इक तुहाडा शरीर खुद दा अच्छा नहीं रहिंदा ठीक है जी बिल्कुल सही है स्किन प्रॉब्लम साह चढ़ना एलर्जिक रहनी हां जी हां जी बिल्कुल ठीक है जी हुण तुसी मैनूं एक गल दस्सो जे मैं तुहाडे कोल दवाई लैणा वा हाँ जी मेरे नाल तुसी गल दा ए ना सोचियो तुसी मेरे नाल डॉक्टर बन के गल करो
मैं थोड़े को दवाई लेना वा मेनो दवाई दोगे तो यह दसो कि तुसी पहले मेरी बीमारी किदा फड़ोगे चेक करांगे आपां पहला पेशेंट सारी कंडीशन पुछांगे उनका हल कढांगे फिर आपां नहीं नहीं मैंने मैं तुहानु दसदा मैंने कोई बीमारी है तुसी उहनू चेक किदा करोगे रिपोर्ट करांगे इहदी अच्छा टेस्ट करांगे उहनां दे उहनां दे टेस्ट मैंने अगे भेजोगे ना हां जी हां जी उस तो बाद ही तुसी ट्राई करोगे मेरे ते हां जी बिल्कुल ठीक है जे मेरा कोई माड़ा मोटा ऑपरेशन करना होया फिर तुसी की करोगे ऑपरेशन पेट तक नहीं नहीं मैं वैसे गल की जे मेरा माड़ा मोटा ऑपरेशन करना पै गया फिर की करोगे नहीं तुसी मेरा सीधा ऑपरेशन तो नहीं कर दोगे मेरे तो कुछ लिखाओगे कि नहीं हाँ लिखावांगे जरूर जी भी आपका जिम्मेवार तुसी हो जाए पेट कर लगे हो अच्छा हुण एक आही गल मैं तुहाडे तों पुछणी चाहुंदा यह तुसी लिखा लिया भी जे कोई गलबात होगी जिम्मेदार मैं होऊंगा ऑपरेशन तुसी मेरा करी जाने जिम्मेदारी मैं चक्का यही साडे हिंदुस्तान दे विच कानून गलत है अगर अज मेरी एक गल हो सुन लो फोरन दे विच जाके तुसी बंदे दी एक वारी ना हॉस्पिटल तक बंदे ले जाओ बेशक बंदे ले जाओ या ना ले जाओ उत्थे बंदे दी वैल्यू बहुत है डॉक्टरां दी जिम्मेदारी है मरे च जान पाने हिंदुस्तान दे विच मरे च जिंदे च जान कढ़न दी इहनां दी कलाकारी है क्योंकि सब तो पहले नंबर ते पता की है अगर अज भी हिंदुस्तान दे इतिहास बन जाए ना कि डॉक्टर कोई भी है अगर उत्थे पेशेंट दे किसे दी जान जाण दी जिम्मेदार होऊगा मेरे ख्याल 100% ऑपरेशन ठीक होने शुरू हो जाऊंगे लोगों के प्रैक्टिकल हो एक होर चीज देखो तुसी डॉक्टर हो असी ज्योतिषी हाँ तुहाडे बारे में कितना कुछ दसता गिनती के दो दोस्त है अगर कितने गवर्नमेंट सानू तनखाह दे दे ना असी आसमान तो चांद तारे तोड़ के लियाइए हिंदुस्तान दे किसे कोने ते कोई भी बंदा बैठा है ओनू डॉक्टर कोई चीज मना करदा ना भी आ नहीं खानी ते तैनू आ प्रॉब्लम होगी एलर्जी है कनक तो भी या फलानी चीज तो मैं लिख के दिना आ पर सब तो वड्डी चीज पता है कि साडे हिंदुस्तान च लोग है ना जिहड़े उहनां नूं पैसा खर्च के जिथे आराम नहीं आंदा उत्थे धक्के खाण दी आदत पै गई लेकिन तुसी आपदे जिहड़े उपाय तुहानूं मैं दस्से करो एक वारी आके मिलो तुसी ज्यादा खुश नहीं रहिंदे और मैं इह चाहुंदा कि कोई भी दुकानदार होवे जद तक उह खुश नहीं तां उहदी दुकानदारी चलनी उहदा शरीर नहीं अच्छा रहना जिहड़ा बंदा खुश ज्यादा रहिंदा उहदी हमेशा उमर ज्यादा हुंदी है जय श्री राम हेलो हेलो रामा पल जी राम राम जी अंकल जी मेरी बेटी दस है 9/2/1986 पहले टीवी तो दूर हो जा 9/2/1986 पहले जी जन्म का टाइम पहले टाइम 11:30 रात का टाइम का रात का जी काका टीवी तो दूर हो जा नहीं तो तेरी कॉल कटी जानी है अच्छा शाम आ जाना जी टाइम बस टाइम बने रात के 11:30 रात के 11:30 हाँ जी तेरी हले भी आवाज आई जाती है मुड़ के तू चीका मारेगा मेरे आना तो बने आ रही है तू बाहर फेर नहीं आया हाँ जी बने बाहर आ गई बोलो हाँ हो दस बोलो मेरी बेटों का पहली है 11:30 रात के 9/2/1986 पूछना की है पूछना बोले ये है कि मैं डर नहीं लगा कुछ ना काम से परेशानी भी आ रही है क्या काम कर रहे हैं मैं गूगल लैंग्वेज काम कर रहा हूँ तेरा जरा टाइम है ना हाँ जी वो तेरा मन नहीं लग रहा पिछले 7-8 महीने तो काम च कुछ नहीं करना गुरुद्वारे जाके हाँ जी बैठ जाना जिथे कीर्तन चलता हो अखा बंद करके 15-20 मिनट अद्धा घंटा तेरा जिन्ना जी करता कीर्तन सुनो अच्छा छोले की दाल मेरी गल तो सुन ले चंगी तरह हाँ जी वीरवार को छोले की दाल ते शनिवार को काले मांच राही अच्छा जी तू देख उस तो तेरा मन कि लगता है मैं गुरुद्वारे क्या गुरुद्वारे चंगी तरह गल सुन लो सब तो पहले नंबर ते ए है कि आपा जेड़ा सही जगह ते जिस चीज का प्रयोग होंगे ना आपा जे उत्थे दान दिने है ना ओ दान लगता है हुण मेरी एक चंगी तरह गल सुनी लोग जेड़े है
गया शहर गति करान जाते हैं। हाँ जी हाँ जी उत्थे तुसी यकीन करियो कि बंदा इत्थों तो चल के किन्नी दूर जांदा गति करान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी लेकिन मैनू गल नहीं करनी चाहिए मैं तुहानू दसन लग्या। हाँ जी उत्थे आपां आपदी शरदा दे नाल आपां आपदे बजुर्गों दे नाम दी रोटी खवाने आ 11 पंडतां नू 20 पंडतां नू 51 पंडित आ गए 100 पंडित आ गए। हाँ जी उत्थे दुकानदारां ने बंदे नू इकट्ठे कर लैणा एक बुरकी उन्होंने खानी बाकी लिफाफे पाणी सिट देनी है। हाँ जी हाँ जी खानी नहीं चीज खानी नहीं उन्हें देने का की फायदा फिर जे कोई चीज हैगी किसी के अर्थ तो लगे जे आप कोई चीज चढ़ाने भी हाँ आप कट्ठी करके बाद चो जाके आप कीड़े मकोड़े भी पा सकते दाला पानी च भी जल इस्तेमाल कर सकते हैं जानवर खाऊगे। हाँ जी हाँ जी लेकिन जो भी तुम कदे चले जाओ गुरुद्वारे च हाँ जी थानू रोटी भी मिलेगी ना कोई होगा लंगर बेशक घर हो किसी दे तुहानू रोटी खाण नू मिलेगी ते जदों आपां इन्हां जगह दे उपर कोई चीज खाण पीण दी दे के आने इहदे नाल आपां नू फायदा हुंदा ते दान भी लगदा है मन नू शांति भी मिलदी है। तुसीं अपाई करो जय श्री राम। हैलो हैलो पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1998 26 जून 1998 जन्म का टाइम 1:25 रात दे की पूछना चाहते हो। मैं अपनी पढ़ाई बारे पूछना चाहती है कि बाहर कितने जाके मैं पढ़ सकती हूँ। तुसी किन विच पढ़ रहे हो हुण? मैं प्लस टू विच है। केड़ी जगह तो बोल रहे हो? उन्ने तो। डैडी की करते हो तुहाडे? बाहर है ड्राइवर। केड़ी जगह? कुवैत। कुवैत दे विच पहली गल तो यह है कि तू झूठ ज्यादा बोल दी है। दूजे नंबर ते यह है कि तू दिल का किसी ने भेद नहीं दिंदी। तीजे नंबर ते तेरिया जुतियां बड़िया टूट दिया सी अज भी टूट दी है। चौथे नंबर ते तेरा दिमाग पुट्ठा ज्यादा चलता है सीधा घट चलता है। ते एक कोई भी काम तू कर दी है लास्ट ते जाके जोर लानी है। हाँ जी ठीक है सब तो पहले नंबर ते जेड़ा बच्चा दिल का भेत नहीं दिंदा। हुण तू एक चीज मैनू दस दे सही इमानदारी नाल तेरा पिछले साल पढ़ाई च मन बड़ा वधिया सीगा। हाँ जी ऐतकी तेरा पढ़ाई च मन नहीं लगदा पिया? नहीं पंडित जी बिलकुल भी नहीं। मेरी गल गलत है? नहीं पता की है? हाँ जी कि सब तो पहले नंबर ते जेड़े बच्चे लड़कियां है ना हाँ जी थोड़े फादर जे कुवैत चे ड्राइवरी कर दे पता किन्ने औखे पैसे कमांदे होने हैं? हाँ जी महीने दे विच पता नहीं तुहानू याद करके किन्नी वारी रोंदे होने हैं। हाँ जी लेकिन उन्होंने ये भी साडे बच्चे कुछ बन जान असीं इत्थे मेहनत करिए। हाँ जी लेकिन बच्चे जेड़े है ओह तुसीं इह ना सोचो कि मैं बाहर चली जावां। हाँ जी सब तो पहले नंबर ते यह है कि झूठ नहीं बोलना कोई खुशी नहीं मनानी बाहर जान का कोई योग है नहीं। जे मां बाप किसी बच्चे के बहुत औखे होते पैसे कमाते हैं ना हाँ जी ते उस बच्चे ने चाहिए कि मैं आपके मां बाप को हम बिठा के रोटी खवानी है। हाँ जी ते दूजे नंबर ते लड़की जेड़ी हम जे तुसी झूठ बोलोगे हाँ जी हिंदुस्तान से जब चल जूगा फौरन च एक बार ही झूठ फड़िया गया। हाँ जी ते समझ लो कि तुसी किसे जो पासे जोगे नहीं रहना। ऐस करके तुसी बाहर जान दा तुहाडे योग है नहीं इत्थे भी तुहाडी पढ़ाई दा योग खत्म होया पिया है। पहले आपदा दिमाग सैट करो रोटी नीचे बैठ के खाओ। जिन्नियां भी लड़कियां कुवारियां है ओहदी उम्र किन्नी भी होवे लेकिन हर एक लड़की चाहिए हफ्ते दे विच एक तो दो बारी दही मल के नहाना या चाटी की लस्सी दे नाल नहाना। जिहड़े बच्चे चाटी की लस्सी नाल जां दही नाल नहांदे है उन्हां दी बदनामी नहीं हुंदी। इन्हां चीजां दा ध्यान रखो तुसीं बाहर जाण बारे घर सोचो रोटी रसोई च खानी है। जय श्री राम। ऐसे तरह मैं दसना चाहना जिन्हें भैन भरा साडा प्रोग्राम देख रहे हैं जिन्हें भी साडे नंबर आते हैं सानू मिलन दा समां असीं दस के जाने सारे नंबर ते तुसीं सवेर दे टाइम फोन करके साडे कोल आ सकते हो। वह साडा जिहड़ा समां मिलन दा सवेरे 7 तों लैके 7:15 तों टाइम ज्यादा नहीं लगता वारी आ जाती हर एक बंदे दी जे बेशक अपॉइंटमेंट तुहाडी बनी है या नहीं बनी। अज साडा प्रोग्राम समाप्त हो रहा है कल ऐसे चैनल ते फिर मिलांगे। अज सानू दो इजाजत जय श्री राम। एक फोन कॉल तुहाडा भविख बदल सकती है तुहाडा दुख दर्द दूर कर सकती है तुहाडे घर दा कलेश खत्म कर सकती है तुहाडे मन दी हर मुराद पूरी कर सकती है तुहानू विदेश